जी, तो जैसा अभी आप लोगों ने डेमो वीडियो में देखा है कि हम 12 रबीउल अव्वल का स्टेटस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो यह स्टेटस क्रिएट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ आएगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे अब हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नेम भी मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको टोटल चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक डीपी मेकर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है 12 रबीउल अव्वल, ठीक है। तो ये आप सिंपली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपने वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो मैं आपका इसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, क्रिएट डीपी पे चले जाना है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी आपने एक डीपी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं ये वाली डीपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा आ रहा है इंटर योर नेम। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उर्दू में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं उर्दू में लिख लेता, इंग्लिश में लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सागर अली लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपना नेम लिख लिया और सबमिट पे नेम पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा है, यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट है इसमें, ठीक है। तो आप कोई सा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए मैंने ये वाला ऐड कर लिया, दोनों हाथों से पकड़ के इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली करना क्या, यहाँ पर कलर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने कलर को क्लिक करना है। कोई सा भी आपने कलर यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ये देखिए इसको पकड़ के यहाँ पर और ओके कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, सेव पे क्लिक करना है, ये आपकी गैलरी में सेव्ड हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है पिक्सलैब, ठीक है। तो इसको भी आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो मैं है जो इसका इंटरफेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। आपने जब इसको क्लिक करना है कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आ जाएगा। आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर कॉर्नर में आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इमेज साइज आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो हम रख लेंगे 16, ठीक है, और जो हाइट है इसकी 9 रख लेंगे, ठीक है। और ये सॉरी यहाँ पे हमने करना क्या है, 9 विड्थ रख लेनी है, ठीक है, और जो हाइट है उसको हमने 16 कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे और ओके कर देना है। इसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, ए पे क्लिक करना है, ए के साथ एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके जो साथ चौथा ऑप्शन है आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक कलर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको ग्रीन कलर आपने दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली फिर क्या करना है, प्लस वाले आइकन को प्रेस करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपने सिंपली सॉरी यहाँ पर अजान हो रही है, अजान सुन के तो हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे अब देखिए हमने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे ये वाली आपको PNG मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। और इसको कुछ इस तरह से आपने इसका साइज़ बढ़ा के इस तरह आपने इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने फिर क्या करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर आपने कोई सी भी जो आपके पास इमेज हो अपनी PNG होगी वो आपने ऐड कर लेनी है, अदरवाइज़ मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ से सिंपली आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हमने थोड़ा सा छोटा करना है और यहाँ पे आपने इसको ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट में जाना। टेक्स्ट में जाने के बाद लिखना है तमाम आशिकाने रसूल को, ठीक है। यहाँ पे अब हम तमाम लिख लेते हैं, ठीक है, तमाम आशिकाने, ठीक है। हम यहाँ पे आशिकान रसूल, ठीक है, यहाँ पे रसूल हमने लिख लिया को यहाँ पे इतना लिखना है हमने, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे अब हमने सिंपली करना क्या है, ये ए पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है, ए बी आ जाएगा, ठीक है, लिखा। तो आपने सिंपली करना क्या, ए बी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माई फ़ोन में चले जाना है, आपने थोड़े से फ़ोन डाउनलोड कर लेने कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह से इसने बन के आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पे आपने इसको कोई सा भी कलर दे लेना है, जैसे कि यहाँ पे अब हम इसको जो ऊपर है येलो कलर, हम इसको येलो ही कलर देंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ मैंने ये ब्लैक कलर दे, सॉरी
हम यहाँ पे येलो देंगे कलर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको स्ट्रोक दे लेंगे, स्ट्रोक जो हमारा होगा कुछ इस तरह से। ये देखिए उसने भी ब्लैक दिया दूसरे में, तो हम इसमें ब्लैक लगाएंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एक और PNG का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली थी PNG, ठीक है, ये वाली ईद मुलाजिम नबी वाली, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा छोटा करना है, छोटा करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना, जो अभी हमने DP क्रिएट की थी, ठीक है, आपने उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसका जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने इसको ऐड कर लेना, और यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा छोटा करना है। छोटा करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम सेंटर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और PNG आपको मिलेगी, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे एक और ये वाली लास्ट PNG है, ठीक है। आपने सिंपली इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपने इसको ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और ताकि ये और भी खूबसूरत लगे कुछ इस तरह से। और हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक है, जो अभी हमने लास्ट पे ऐड किया इसको लॉक कर देंगे। और यहाँ पे जो DP है हमारी, हम इसको थोड़ी सी शेडो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, बढ़ा के यहाँ पे शेडो का ऑप्शन आएगा, आपने इसको शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेना है कुछ इस तरह से और ओके कर देना। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे अब हमने सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, और कस्टम पे क्लिक करने के बाद वेरी हाई पे क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देना है। उसके बाद जो लास्ट पे हमारा काम रह गया, अब हमने सिंपली एक काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेना है। काइनमास्टर, ठीक है, तो ये बहुत ही लेटेस्ट वर्जन आया, ठीक है, ये छोटे मोबाइलों में बहुत कम जो काम करता है, तो इसलिए मेरा मोबाइल ठीक ठाक है, ठीक है, तो इसकी रैम वगैरह भी अच्छी है, तो इसलिए इसमें ये सही काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने सिंपली करना है क्या, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 9x16 का एक पेज सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। जो अभी हमने एक PNG को मतलब सॉरी जो अभी हमने DP क्रिएट की है, हमने इसको यहाँ पे 15 सेकंड तक रख लेना है और इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और मैं एक आप को एक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आपने वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक है। यहां पे ये देखें, ये इसमें ऐड हो रही है, जैसे ही ऐड होती है मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, ये देखें। तो इसको आपने फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस तरह से। फुल स्क्रीन करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर आपने क्रोमा की का ऑप्शन में जाना है और इसको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लैक के साथ थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ये जो ग्रीन कलर है वो इसके साथ शो ना हो। और उसके बाद सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जब इसने इस तरह आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे लेयर में जाना है, मीडियम में जाना है, और यहाँ पे 2-3 मैं लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आपने वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम ये वाली वीडियो को ऐड करेंगे, ठीक है, कलरफुल टेम्पलेट, और उसके बाद इसको हम ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पे हम इसको स्क्रीन कर देंगे, और ये दोनों जो है हम इसको म्यूट कर देंगे, ठीक है, और इसको भी म्यूट कर देंगे। उसके बाद मैंने एक नात डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मैं उस नात को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाली नात ऐड की हुई है, ठीक है, और इसके बाद इसका ऑडियो ले लूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। और यहाँ पर ये देखिए, अब हमारा जो स्टेटस है वो फुल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।